करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। वीरों की याद में द्रास में विशेष कार्यक्रम की तैयारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाते हैं गौरव सावंत की एक रिपोर्ट। तो करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर द्रास मेमोरियल पर वीर जवानों को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। कारगिल में जीत के 25 वर्ष, इसी जगह कारगिल और द्रास और बटालिक की इन्हीं पहाड़ियों पर भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भोंका था। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेकर गए मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए, लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर रही थी भारत की सीमा में। और मई से लेकर जुलाई तक इन्हीं चोटियों में, ये जो आप मेरे ठीक पीछे तिरंगा फहरता देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे ये तोलोलिंग की पहाड़ी है। पहली जीत भारतीय सेना को 12 जून की रात यही मिली थी, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना जिस पहाड़ी के ऊपर जाती वहीं पर ऊपर से भारी गोलीबारी होती। बड़े बड़े अधिकारी तो ये कह रहे थे कि आतंकवादियों की ये घुसपैठ है, लेकिन ये पाकिस्तान की सेना की घुसपैठ थी। और इस वीरता में, इस विजय में वो जो 155 मिलीमीटर तोप बोफोर्स हाउइट्ज़र्स, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस विजय में रही है। 25 वर्ष उस विजय के, जिसे आज देश न केवल नम आंखों से बल्कि गर्व से मना रहा है। ये एक संदेश भारत की भावी पीढ़ियों को भी है कि पाकिस्तान लगातार भारत की पीठ में खंजर भोंकेगा, भारत को निरंतर तैयार रहने की आवश्यकता है। वो खंजर कभी कारगिल में, तो कभी कश्मीर में, तो कभी जम्मू में, तो कभी देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद फैलाकर। और इसीलिए संदेश यही 25 वर्ष बाद भी कि पाकिस्तान खंजर भोंकेगा, भारत को सचेत रहना है।